200 क्वेश्चन, 180 मिनट, 2 से 3 साल का हार्ड वर्क, बहुत सारा पेशेंस और थोड़ा सा गुड लक, ये सब चाहिए आपको 13 सितंबर को नीट को फोड़ने के लिए और एक गवर्नमेंट सीट क्रैक करने के लिए। हाय एवरीवन, फर्स्टली दोज हू डोंट नो मी, माई सेल्फ पंकज यादव, करंटली परस्यूइंग माई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम एम्स जोधपुर। आज का टॉपिक जो है, मैंने टेलीग्राम और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें आपके नियरली 80% बच्चों ने बोला कि भैया हमें नीट 2021 की जो है स्ट्रैटेजी चाहिए एम पेपर अटैम्पिंग करने, क्योंकि पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो वही स्ट्रैटेजी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्वाइट प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं थियोरेटिकल या फिर ऐवे हवा में बातें कर रहा हूँ। ये मैंने पर्सनली अपनाया था, क्योंकि मैंने मेरा पेपर जो है वो कम्प्लीटली 2 2 घंटे और 10 मिनट में पूरा पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर लिया था। तो मान के चलो आपके लिए क्वाइट लॉजिकल रहने वाली है चीज़। सबसे पहले पैटर्न की बात करेंगे, फिर आपको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, इस वीडियो में मेनली हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देन लेवल ऑफ पेपर, मान के चलो ये पहले बता रहा हूँ, लेवल ऑफ पेपर जो है, अगर एनटीए आपका करवा रहा है, जो श्योरली करवा रहा है, वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, यानी कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बट कट ऑफ जो है वो श्योरली हाई होगी, ये आप मान के चलो। देन पेपर पैटर्न जो है वो आई यू नो चेंज हो चुका है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है अब 2 सेक्शंस में आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 200 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, कम्बाइंड नॉन एज बायोलॉजी। उसमें आपके फिजिक्स में 2 सब सेक्शंस में होंगे, सेक्शन ए एंड बी में 35 क्वेश्चन, 15, 35, 15, ये रेशियो जो आपका रहने वाला है। सेक्शन ए की बात करते हैं, श्योरली आपका सेक्शन ए जो है वो ईजी रहने वाला है, ईजी टू मॉडरेट, मोस्ट प्रोबेबली ईजी ही रहेगा, मॉडरेट भी होने के चांसेस कम हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो है मॉडरेट हो सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है करना कंपलसरी है, ये मस्ट है, ध्यान रखना, सेक्शन ए में आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। देन आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा फोकस जो है ए पर रखना, क्यों, ए में आपके 140 क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे, आपके 560 मार्क्स कैरी करेंगे, इनकी पर्सनली सजेशन ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने लगा सकते हैं सेक्शन ए में फर्स्ट राउंड में लगा के ख़त्म करें उसको, और पहले अटैम्प्ट में ही सही करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। देन कमिंग टू द सेक्शन बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको पता है हर एक सेक्शन में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, 15 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें आपको 10 अटेम्प्टेबल होंगे, 5 जो है वो नॉन अटेम्प्टेबल होंगे। नाउ अटेम्प्टेबल आपके, क्योंकि 500 जो ये 60 नंबर थे या पीछे आ चुके हैं, तो हमें अभी 160 नंबर और चाहिए, तो ये आपके 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे हर एक सेक्शन से 10। ये पेपर सेक्शन बी जो है श्योरली इट विल बी कंप्राइज फ्रॉम मॉडरेट टू हार्ड। देन कमिंग टू द मेन पॉइंट, हाउ टू अटैम्प्ट नीट क्वेश्चन पेपर। सबसे मेन बात जो है वो ये है कि हमें क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट करना कैसे है। सबसे पहली बात, मेक श्योर कि आप जाने से पहले अपने माइंड सेट ये रखें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका टाइमिंग केवल 160 मिनट है, ना कि 180। और ये है बात, आप प्रैक्टिकली मान के चलो, क्योंकि आपको 160 मिनट में ही 200 क्वेश्चन जो है वो खत्म करने हैं। अब 200 क्वेश्चन ही क्यों, 180 क्यों नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि भैया 180 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन अटेम्प्टेबल हैं, यानी कि आप चाहो तो कर सकते हो, ऑप्शन में रहने वाले हैं, बट क्यों 200 ही क्यों, बताने वाला हूँ। सेकंड, 160 मिनट ही क्यों, 180 क्यों नहीं, इसका आंसर आप में मोस्ट लोगों को पता है जिन्होंने एक बार पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। जो फ्रेशर हैं या फिर 12th क्लास में हैं, उनके लिए जानना ही बहुत जरूरी है। क्वाइट लॉजिकल थिंग है कि ओनली 1%, यानी कि आप में से 1% बच्चे ही ऐसे होंगे जो सेक्शन बी जब वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे, जिसका लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड रहने वाला है, उस सबसेक्शन को करते वक्त, सेक्शन बी को करते वक्त पहले जो 10 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ना आए, हो सकता है, यानी कि आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कोई ना कोई क्वेश्चन में गलती कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को 15 के 15 क्वेश्चन जो है वो करने चाहिए। और यही कारण है कि आपके 200 के 200 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 1 टाइम गो थ्रू होना ही पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ, हाँ ना, जरूर बताना। सो ना चाहते हुए भी आपको जो वो 15 के 15 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में करने पड़ेंगे, चाहे आप कॉन्फिडेंस हो चाहे कॉन्फिडेंट ना हो, प्रैक्टिकल है ये बात। देन 160 मिनट क्यों, क्योंकि आपके कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होते हैं जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो। आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस चाहे अभी शुरू करना कर दो, OMR फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो चुका है, तो OMR फीलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, आप अभी प्रैक्टिस शुरू कर दो। देन ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपकी 2 से 3 साल की जो मेहनत है वो इस OMR पर डिपेंड है। अगर आपने एक बबल भी गलत भरा, तो आपकी पूरी की पूरी रो जो है वो खत्म हो जाएगी और आप जो कंपटीशन में चुटकी के साथ बाहर हो जाओगे। कमिंग टू द 5 मिनट पार्ट, नेक्स्ट वो बेसिकली आप जानते हो जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है कि क्या है ना कि वो परेशान बहुत करते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, कई बार तो इतना इरिटेटिंग होता है कि गुस्सा आता है कि
कभी सिग्नेचर के लिए आ रहे हैं, कभी पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं, कभी थंब एक्सप्रेशन लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्वाइट जो है वो मतलब माइंड को इरिटेट करता है, उस वक्त गुस्सा भी आता है। इवन मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था बार बार जब वो आ रहे थे, और मेरी तो टेबल भी पहले ही आ गई थी। चलो कोई नहीं, वो तो बाद में बात करेंगे, पेपर मैंने कैसे अटैम्प किया था वो कभी फिर बताऊंगा आपको। सो 160 मिनट 200 क्वेश्चन और थिंक आपको नहीं करना है कि मैं कैसे करूंगा इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में, और इजी मैनेजेबल है। मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन पेपर जो हो 3 राउंड में कंप्लीट करना है। मेरी पर्सनल सजेशन है कि अगर आप ऑर्डर देखोगे तो आप बायोलॉजी को पहले करिए, केमिस्ट्री को बाद में, और फिजिक्स को सबसे लास्ट में। लॉजिकल है, आपको पता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फिजिक्स को पहले करने में कंफर्टेबल हैं तो आप बेसिकली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेफरेंस ऑर्डर अगर आप कंफर्टेबल है, जिस प्रेफरेंस ऑर्डर में कंफर्टेबल आप उसमें रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बात करते हैं सेक्शन ए की। सबसे पहले जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन ए को पहले कीजिए, सेक्शन बी को बाद में कीजिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए जो है, मैं राउंड वन की बात कर रहा हूँ, सेक्शन ए जो है वो इजी क्वेश्चन कैरी करेगा। ऑब्वियसली बात है, 140 क्वेश्चन होंगे तो 560 मार्क्स काफ़ी होते हैं, बहुत होते हैं। अगर आप पहले राउंड में 160 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन कर लेते हो, और 560 में से मिनिमम मान के चलो 520 से 540 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बहुत हाई हो जाएगा। और इसमें से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें लगाने की कोशिश करें। 140 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, 70 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में होंगे, जूलॉजी प्लस बॉटनी को लगाकर 35 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में होंगे, 35 क्वेश्चन फिजिक्स में। कोशिश करो बायोलॉजी को इन 70 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में, 20 मिनिमम और 25 मिनट मैक्सिमम, इतने मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। रट लो, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। मैंने मेरा 20 से 22 मिनट, 22 मिनट में मैंने मेरा पूरा पेपर जो है 90 के 90 क्वेश्चन जो है मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे, और बिल्कुल सही किए थे। 360 स्कोर मेरा है बायोलॉजी में, तो आप समझ सकते हो कि बायोलॉजी के मेरे पढ़ने का तरीका कितना अच्छा था। देन 35 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के हैं, और 30 to 35 मिनट मैक्सिमम है ये आपको केमिस्ट्री में टाइम देना है। 30 to 40 मिनट मैक्सिमम फिजिक्स के लिए फर्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ईजी होंगे, तो आपके 80 से और 100 मिनट में पहला राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। राउंड फर्स्ट जो है मैं आपको बता चुका, 110 मिनट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको OMR भी भरनी जरूरी है। फिर बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इसमें सिली मिस्टेक आपकी कम से कम रखने की चांसेस होने चाहिए। सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक सिली मिस्टेक जो है वो एक नंबर माइनस नहीं जाता, वो -5 लेके जाता है। ये बात आप समझ लो, आपके माइंड में डाल लो। देन ट्राई करना, इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि आपको जितने क्वेश्चन करने हो वो पहले राउंड पे ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए। कमिंग टू द सेक्शन बी, 60 क्वेश्चन होंगे, 40 अटेम्प्टेबल होंगे, 20 नॉन अटेम्प्टेबल होंगे। राउंड टू की बात करें बायोलॉजी में 20+10, इसको कोशिश करना कि 5 to 10 मिनट में आपको कंप्लीट करने की कोशिश, यानी कि 5 मिनट में आपके जितने भी 20 क्वेश्चन हैं, 5 से 7 मिनट आप एवरेज लगाकर चलना कि 7 मिनट में तो आपका बायोलॉजी का पूरा सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। देन केमिस्ट्री की बात करें 10 से 15 मिनट लेनी है, और फिजिक्स में 15 से 20 मिनट लेने। फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, आप लास्ट में देखोगे फिजिक्स जो पेपर इतना इजी है कि आप 1 घंटे में फिजिक्स का पेपर अटैम्प्ट कर लोगे इजीली। राउंड टू में 40 क्वेश्चन पहले बता चुका, 30 से 45 मिनट मैक्सिमम इंक्लूडिंग OMR आपकी इस टाइम में भर लेनी चाहिए। उसमें भी OMR जो है उसी टाइम 110 मिनट के अंदर जो है, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो है पहला राउंड जो कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं टोटल सम अप की बात करें तो राउंड वन जो है सेक्शन ए में 80 से 110 मिनट, सेक्शन बी जो है 30 मिनट से 140 मिनट, ये जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि राउंड थ्री में आपके पास 30 मिनट से 50 मिनट जो है वो बचेंगे राउंड थर्ड के लिए। पहली बात, राउंड थर्ड में यू हैव टू अटेम्प्ट जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है राउंड वन के और राउंड टू, राउंड वन एंड राउंड टू के जो भी बचे हुए क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट में जो राउंड थर्ड है उसमें कंप्लीट कर लेने हैं। सेम सिक्वेंस में पहले बायोलॉजी का रखो, फिर केमिस्ट्री का रखो, फिर फिजिक्स का रखो। ये था आपको इस तरह जो है अगर आप पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो श्योरली आपका पेपर जो है वो 2.5 घंटे से पहले पहले जो है वो ख़त्म हो जाएगा श्योरली, अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो। सबसे पहली बात, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू अटैम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस, नॉट ऑल क्वेश्चंस, पहली बात। सेकंड, फोकस ऑन सेक्शन ए मोर देन सेक्शन बी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कंपलसरी है, करने ही करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन, जब इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता ना तो वो फोकस होता है, उसको करना ही होता है, कंपलसरी है। सिली मिस्टेक को कम से कम अवॉइड करें, सिली मिस्टेक को अवॉइड करें। देन OMR को अच्छे से भरना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पेपर से पहले आपको अच्छे से स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मॉक टेस्ट दो, चाहे आप नीट का पेपर दो, ठीक है। 8 से 10 घंटे जो है वो, 8 से 9 घंटे आप मान के चलो
10 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 9 घंटे एग्जाम जरूरी है। सो ओवरऑल आपका पेपर जो है वो 15 से 20 मिनट OMR एंड रेस्ट ऑफ टाइम इट विल बी यूज्ड इन योर अटैम्पिंग पेपर अटैम्पिंग। सबसे अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन लेवल जो हो बूस्टअप हो जाए, आपके दोनों सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, हार्ड प्रैक्टिस हो, तो नीट का एक चैलेंजर बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उड़ान प्लेटफॉर्म पर होने वाला है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो है वो दे दिया है। इसका प्राइस जो है वो 1999 रहने वाला है, जिसके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, हर एक टेस्ट में नए पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, प्लस आपके 7500 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। आपकी टेस्ट सीरीज की एडवांस शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है। हर एक टेस्ट में आपको प्रॉपर टाइमर सेट होगा, स्पेशली सेक्शन बी में प्रॉपर टाइम के साथ आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो प्रेशर है, जो नेगेटिविटी है, जो एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम टाइम पर आती है, उसको आप इजीली कोप अप कर सको। तो आप चाहो तो एक बार देख सकते हो उस कोर्स को। देन बात करें तो आपकी प्रीवियस वीडियो जो है, मैंने ऑलरेडी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जो आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए श्योरली हेल्प करने वाली है। टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, पंकज एम्स जोधपुर के नाम से है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जाते वक्त उससे पहले सब्सक्राइब और शेयर जो है इस वीडियो को ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भैया, मैं भी बीमार हो रहा हूँ, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी तबीयत का स्पेशली ध्यान रखें और बीमार ज़्यादा ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।